हेलो फ्रेंड्स मैं अभिषेक जोशी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सर्किट ब्रेकर के मेंटेनेंस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस इंडस्ट्रीज़ में कैसे किया जाता है कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है किसी भी टाइप के सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करते वक्त तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि किसी भी सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करने से पहले आपको उस सर्किट ब्रेकर को फुल्ली डिस्चार्ज करना ज़रूरी है इसका मतलब ये है कि अगर आपका सर्किट ब्रेकर चार्ज है अगर आपका सर्किट ब्रेकर ऑन है तो उस केस में आप सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस नहीं कर सकते किसी भी लाइव सिस्टम में आप सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस में नहीं ले सकते इसीलिए इंडस्ट्रीज़ में नॉर्मली जब भी शटडाउन लिया जाता है तो उसी केस में जो मेजर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जैसे जो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है या एस सर्किट ब्रेकरस है इन सभी मेजर सर्किट ब्रेकर्स का जो मेंटेनेंस है वो शटडाउन के वक्त ही लिया जाता है क्योंकि शटडाउन के वक्त आप सर्किट ब्रेकर को इजीली सप्लाई सिस्टम से आइसोलेट कर सकते हैं फिर आप उसे रैकआउट करेंगे और उसके बाद आप उसका मेंटेनेंस शुरू करेंगे दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको सर्किट ब्रेकर के मेंटेनेंस करते वक्त देखनी चाहिए वो ये है कि उसमें कांटेक्ट बर्निंग कितनी हुई है देखिए जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उसमें नॉर्मली दो टाइप के कांटेक्ट होते हैं एक होता है फिक्स कांटेक्ट और एक होता है मूविंग कांटेक्ट। तो जब आप सर्किट ब्रेकर को सर्किट ब्रेकर का जो चैम्बर होता है उसे बाहर निकाल लेंगे जब आप उसे रैकआउट कर लेंगे तो उस केस में सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है कि उसके जो आर्म्स है उसके जो कॉन्टैक्ट्स है उसमें कहीं बर्निंग तो नहीं हुई है अगर बर्निंग लाइट है तो उसे आप क्लीन कर सकते हैं उससे आप पॉलिश कर सकते हैं पर अगर बर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है तो उस केस में आपको उन कॉन्टैक्ट्स को रिप्लेस ही करना पड़ेगा क्योंकि जब आप वापस से प्लांट चालू करेंगे तो आप ये नहीं चाहते कि रनिंग प्लांट में आपका कोई ब्रेकडाउन आए तो इसीलिए अगर लाइट बर्निंग है तो आप उसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं उसे पॉलिश करके रेडी कर सकते हैं पर अगर कॉन्टैक्ट बर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है तो अच्छा यही रहेगा कि आप उन कॉन्टैक्ट्स को रिप्लेस कर दें एक नए कॉन्टैक्ट सेट आप उसमें इंस्टॉल कर दें इसके बाद दोस्तों बात आती है एक्सट्रिंग चैम्बर की देखिए हर एक सर्किट ब्रेकर में एक एक्सट्रिंग चैम्बर होता है सर्किट ब्रेकर किसी भी टाइप का हो उसका काम ये होता है कि वो आर को एक्सट्रिंग करे आर को इंटरप्ट करे तो आर्क इंटरप्शन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत बार कॉन्टैक्ट बर्निंग देखने को मिलती है इसलिए जो एक्सटिंग चैम्बर है उसे भी ओपन करके आपको देख लेना चाहिए कि उसमें बर्निंग के परसेंटेज कितने हैं अगर बर्निंग लाइट हुई है तो आप उसे क्लीन करके रेडी कर सकते हैं पर अगर कोई पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर बर्निंग ज़्यादा हुई है तो उस पार्ट को आपको रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि आप सर्किट ब्रेकर को लॉन्ग रन के लिए रेडी कर सकें इसके बाद दोस्तों बात आती है सर्किट ब्रेकर के मेन मैकेनिज्म की देखिए आप जब भी किसी सर्किट ब्रेकर का जो कवर है उसे ओपन करेंगे तो वहाँ आपको सर्किट ब्रेकर का पूरा मैकेनिज़्म मिलेगा जिसमें क्लोजिंग कॉयल होगी ट्रिपिंग कॉयल होगी और बहुत सारे ऑक्सिलरी स्विचेस होंगे तो ये जो सर्किट ब्रेकर का जो मैकेनिज़्म है इसको आपको क्लीन करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि अगर आप सीमेंट सेक्टर से रिलेट करते हैं तो बहुत बार आपको सर्किट ब्रेकर के जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है या सर्किट ब्रेकर का जो मैकेनिज़्म है उसमें आपको डस्ट देखने को मिल सकती है तो ऐसे केस में मेंटेनेंस का एक पार्ट यह भी रहेगा कि आप सर्किट ब्रेकर का जो मैकेनिज्म है उसको पूरी तरीके से क्लीन करें और उसे अच्छी तरीके से लुब्रिकेट भी करें इसके अलावा दोस्तों सर्किट ब्रेकर का जो मैकेनिज़्म है इसमें जो अलग अलग टाइप के स्विचेस लगे रहते हैं इनमें कार्बन डिपोजिशन भी होता है तो अगर कार्बन डिपोजिट हुआ है तो उस कार्बन को भी आपको क्लीन करना पड़ेगा ओवरऑल बात यह है कि सर्किट ब्रेकर का जो पूरा मैकेनिज़्म है उसके पूरे मैकेनिज्म को आपको क्लीन करना है उसके पूरे मैकेनिज्म का आपको लुब्रिकेट करना है और सभी कॉन्टैक्ट की टाइटनेस आपको कंपल्सरीली चेक करनी है इसके बाद दोस्तों बात आती है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर और स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म की देखिए किसी भी सर्किट ब्रेकर में एक स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म होता है जब भी आप सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं तो उस केस में सर्किट ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज होती है अगले ऑपरेशन के लिए तो इसलिए जो सर्किट ब्रेकर का स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टाइप के सर्किट ब्रेकर में तो जब भी आप सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस लेंगे तो आप इसकी जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर को भी आप एक बार चेक करेंगे उसकी जो बेयरिंग है उसको प्रॉपरली लुब्रिकेट करेंगे और स्प्रिंग चार्जिंग का जो मैकेनिज़्म है उसे भी पूरी तरीके से क्लीन करेंगे इतना मेंटेनेंस होने के बाद एक काम आपको और करना है कि आपको सर्किट ब्रेकर को मैन्युअली स्विच ऑन और स्विच ऑफ करके देखना है आपको मैन्युअली सर्किट ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज करना है उसके बाद उसका ऑन ऑपरेशन और ऑफ ऑपरेशन मैकेनिकली परफॉर्म करके देखना है इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप सर्किट ब्रेकर को वापस से इंसर्ट करेंगे ब्रेकर के चैम्बर में तो आप ब्रेकर को टेस्ट पोजिशन में लेकर टीएनसी स्विच के थ्रू भी उसे टेस्ट पोजिशन में ऑपरेट करके देख सकते हैं देखिए किसी भी इंडस्ट्रीज में एक टी स्विच होता है जिससे आप इलेक्ट्रिकली किसी भी सर्किट ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं और उसे ऑफ़ भी कर सकते हैं तो जो टी स्विच होता है उससे आप ब्रेकर को टेस्ट पोजिशन में ऑन करके और ऑफ करके ये देख सकते हैं कि आपके सर्किट ब्रेकर का जो क्लोजिंग मैकेनिज्म है और जो ट्रिपिंग मैकेनिज़्म है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इस तरीके से सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है आपको हर एक ऑक्सिलरी स्विच और हर एक मैकेनिज्म की जो कंट्रोल वायरिंग है उसकी टाइटनेस आपको चेक करनी है आपको कॉन्टैक्ट आर्म्स की बर्निंग चेक करनी है आपको एक्सट्रिंग ड्यूसिंग चेंबर का मेंटेनेंस करना है और एट दी एंड आपको हर एक सर्किट ब्रेकर को टेस्ट पोजीशन में ऑन करके देखना है मैन्युअली उसकी स्प्रिंग चार्ज करके आपको उसका ऑन ऑपरेशन और ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करके देख लेना चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुड बाय